अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनवीता चैनल। आज की वीडियो जो है मेरे भाई, वो है क्या कहते हैं, ADX एड सेटअप की। तो आज मैं आप लोगों को, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैंने जो है अप्लाई किया हुआ है और जो है मुझे ये सर्विस मिली है। तो जिसको भी सर्विस चाहिए यूएम डिगी मीडिया या ऑल राइट वगैरह की, तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको सर्विस दिला दूंगा। क्योंकि ये लोग जो है, इनका सेलर से कांटेक्ट हो चुका है, ये लोग जो है भाई सेलर से रबते में, तो उन्हीं को जो है वो दे रहे हैं सर्विसेज। तो फिलहाल जिसको चाहिए सर्विस अप्रूवल चाहिए ADX योम मिडी मीडिया का, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, वो यहाँ से मेरा नंबर ले सकता है और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और मुझसे अप्रूवल ले सकता है। अच्छा, ये मेरे पास मेल आ गई है, ये आई है 15 घंटे पहले। मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊंगा तभी इसको ऑन करूंगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जिन्होंने सर्विस ले ली है वो देख लें, उसके बाद आप क्या करना है जब आपके पास मेल आ जाए। देखो ये मेरा है 2080 का, और जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ इतना इसको नीचे करना है और इसको कट कर देना है यहाँ से, और जो है यहाँ से इसको हमें अप्रूव कर देना है। अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद जो है भाई ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो है नेटवर्क का कोई इश्यू है, 2 मिनट चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और ये अप्रूव हो चुका है, और अब क्या करना है हमें जो है ना, और यहाँ से मैं आऊँगा इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से मैं नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आता हूँ। नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये एडसेंस लिखा हुआ है, अगर इसको आप लोग ऑफ नहीं करते हो तो यहाँ पे एडसेंस या एड्स चलने लग जाएंगे। और जो है ये इसको मैं यहाँ से ये करा और ये सेव। सेव करने के बाद आपको एक दफ़ा इसको पेज को रिफ्रेश कर देना है। ये सेव हो चुका है, इसके ऊपर आएंगे, इसके बाद आएंगे एडमिन में। एडमिन पे आने के बाद जो है यहाँ पे हमें मल्टी कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है, और जो है एड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और सबसे नीचे आके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करना है और ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और इनेबल एड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, ये यहाँ तक हो गया है, और इसको पेज को मैं करूँगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो अभी अगर हम यहाँ पे आके चेक करते हैं, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारे जो है वो ये सब डन हो चुका है। तो अब क्या करना है, लिंक अकाउंट के ऊपर हम करेंगे क्लिक। ये लिंक एडमिन के अंदर ही आप लोगों को मिलेगा। सही है, और एडसेंस को नहीं छेड़ना है। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि आपके एडसेंस के एड्स ऑफ होने चाहिए, उसके बाद इसकी सेटिंग करना, ठीक है मेरा भाई। तो ये देखो, ये सही है, और ये हमारी मेन सेटिंग है। इन दोनों को आपको इनेबल कर लेना है। और ये इनेबल हो चुका है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे एड्स डॉट टेक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट एंड क्या कहते हैं, देखो ये ऐप वाले को नहीं छेड़ना है हमें इसको छेड़ना है। तो असल में हमारा वेब है, तो हमें वेब को यहाँ से कॉपी कर लेना है।
ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के अंदर जाना है और वर्डप्रेस में जो है हमें एक फाइल लगानी है, जो वो है ये एड इंसर्टर। ये प्लगइन के अंदर आएंगे, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आएंगे और यहाँ से एड इंसर्टर इसको इंस्टॉल कर लेना, एक्टिवेट कर लेना। और एड्स डॉट txt मैनेजर से एड्स इंसर्टर के अंदर आएंगे और जो है ये देखो, ये लगे हुए हैं गूगल के एड्स। और गूगल की इसको हटा दो, ये बहुत बड़ी गलती करी है बंदे ने, जिसने भी करी है। और ये चीज़ मेरे अजीज हो गया, ये काम सही मेरा भाई, ये हटा दिया है हमने। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है एड्स, सॉरी एड्स डॉट txt के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें जो है अपनी एड्स डॉट txt की फाइल लगानी है और इसको कर देना है सेव। ये मैंने सेव कर दिया है। और ये जो है ऊपर ये रही, इसकी भी सेटिंग को सेव कर देना है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए ना, एडसेंस से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना है हमें पूरा। अगर आप लोगों के एडसेंस में अगर ऐड लगे हुए तो उसको भी वहाँ से ऑफ कर दो, जो भी है सारी स्क्रिप्ट हटा दो, ठीक है मेरा भाई। और अब दोबारा से इधर आएंगे, अब हमें करना है ऑर्डर क्रिएट करना है, तो डिलीवरी के ऊपर आएंगे, ऑर्डर के ऊपर आएंगे। ऑर्डर पे आने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जो है यहाँ से एक न्यू ऑर्डर बनाएंगे, और न्यू ऑर्डर बनाने तो यहाँ पे नाम दे देना है मेरे भाई, कुछ भी यहाँ दे देता हूँ मैं ADX। और ये मैं यहाँ पे इसके ऊपर एड न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गूगल, आप लोगों को भी ये लिखना है। और ये मैंने कर दिया है google.com कर दिया है। और ये डन डन आ डन डन। और ये लेबल को नहीं छेड़ना है, और ये इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। और ये यहाँ से कर देना है एड लाइन आइटम पे, और यहाँ से हमने एड लाइन आइटम कर दिया है। और ये देखो ये आ गया है यहाँ पे सेलेक्ट डिस्प्ले एड्स, और यहाँ से हमें वीडियो एड्स नहीं चाहिए, हमें डिस्प्ले एड्स चाहिए। तो मेरे भाई हम यहाँ पे लेंगे डिस्प्ले एड्स, और यहाँ पे ये कह रहा है कि टाइप इसको छोड़ दो, और यहाँ पे हमें नाम देना है ADX। और ये हम क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको एड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको ऑल साइज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस पे छोड़ दो इसको, लेबल वेबल ये क्या है नहीं नहीं चाहिए। और ये इसको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है, ऐप के ऊपर नहीं करना। और डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम, तो स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे, इमीडिएटली करना है, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि लगाने के साथ ही जो है हमारे स्टार्ट हो जाए एड्स। और ये इसके ऊपर क्लिक करके अनलिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमें किसी चीज़ को देखना पड़ेगा, ये इसको कर देना डन डन डना डन डन, ये हमने कर दिया है। और अब हमें करना है ये मैनेज के ऊपर क्लिक, मैनेज क्रिएटिव्स, और यहाँ से दे, और इसको ऑटोमेटिक कर देंगे इसको कि अपना ऑटोमेटिक क्रिएट कर दे। देखो तो यहाँ पे तो ये अब स्टेटस जो है वो एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम इसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ड्राफ्ट, कि ये ड्राफ्ट में है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ADX के ऊपर, तो यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे। तो ये देखो ये रेडी लिखा हुआ आ गया है ना, जादू कमाल की। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे डिलीवरी के अंदर, और डिलीवरी में आया सॉरी इन्वेंट्री, और ये एड यूनिट हमें क्रिएट करना है इन्वेंट्री के अंदर, एड यूनिट हमें क्रिएट करना है। और यहाँ से देखो ये एड्स हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है न्यू एड यूनिट करेंगे। यहाँ से एड यूनिट करने के बाद यहाँ पे दे देंगे नाम, आप कुछ भी दे देना, मैं ये दे रहा हूँ। और जो है कोड वगैरह यहाँ पे साइज हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो साइज आपको चाहिए वो आप कर लेना। मैं जो है 300 से 250, और ये फिक्स, और ये आ गया कस्टम साइज, छोड़ दो उसको, छोड़ दो किसी को नहीं छेड़ना। और ये इसको सेव कर देना है।
सेव कर दिया है, उसके बाद इस इधर आएंगे, कुछ भी नहीं है, इसके बाद टैग्स में आएंगे। टैग्स में आने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, ये गूगल पब्लिशर है, इसको इस पे चेक करके लगे रहने देना और इसको कंटिन्यू कर देना है। नीचे आएंगे, इसको नहीं छेड़ना और जो है किसी को नहीं छेड़ना, बाकी चीज़ें जो है वो लाइव ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना। उसके बाद जो है ये हमें मिल चुका है मेरे भाई, ये कोड हमें लगाना है वर्डप्रेस पे। अगर आपके पास ये ऐड है असल में, अगर आप लोग इसको ब्लॉगर में जहाँ भी लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन लगाने का तरीका देखो, कॉपी किया और मेरे भाई इसको इधर आए और ये लगा दिया। अब इसके ऊपर स्पेस दिया नीचे, और जो है इसको जब ये दोनों जो है वो एक साथ लगेंगे, जब जाके जो है आपके एड्स शो होंगे, इसको लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है डिसाइड कर सकते हो कि ये एड आपका कहाँ शो होना चाहिए। तो मैं लगाऊंगा इसको बिफोर पैराग्राफ, या आप लोग जो आपकी मर्जी वो लगा सकते हो, मैं यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ कर देता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। और तो बाकी इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं करने वाली, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आएंगे इसके अंदर लाइन ऐड, सॉरी ऐड यूनिट के ऊपर आएंगे और पेज को पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो ये हमारा ऐड बन चुका है और ये हमारा एक्टिव हो चुका है, ये वाला ऐड है और ये हमने लगा दिया है, क्या कहते हैं इसको, बिफोर पैराग्राफ पे। अगर मैं अब जहाँ जहाँ मैं लगाना चाहूँ इसको मैं लगा सकता हूँ, और जो है यहाँ से मैं सेव सेटिंग कर देता हूँ, और अब मैं इसको जहाँ जहाँ लगाना चाहूँ जैसे लगाना चाहूँ वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। और मतलब अप्रूवल लेने के बाद जो है आप लोगों को ये सेटिंग्स करनी है, और जो है अगर आप लोग को किसी को अप्रूवल चाहिए, देखो 2-4 घंटे के अंदर एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम नए एड्स लगाते हैं तो वो टाइम लेते हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। जिसको अप्रूवल चाहिए वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।